ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। और रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जो है गरियाबंद से, जहां गरियाबंद जिले के राजिम नगर पंचायत में प्लेसमेंट नौकरी के नाम पर करोड़ों के बंदरबाज करने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा सूचना के अधिकार के तहत हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता विनीत पारख ने बड़ा खुलासा करते हुए नगर पंचायत राजिम में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने इसका खुलासा करते हुए बताया कि नगर पंचायत में 43 प्लेसमेंट कर्मचारियों के साथ 10 अतिरिक्त लोगों का वेतन आहरित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकारी अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने ऐसा कर रहे हैं। वहीं नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी मैनुअल टेंडर का हवाला देते हुए गोलमाल जवाब देते नजर आए। शासन द्वारा प्लेसमेंट कर्मचारियों की कुल अनुमति 43 लोगों की है, लेकिन बहुत समय से लगभग संभावना 2019 से 53 लोगों को पेमेंट किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 54-55 लाख का ये घोटाला है, जिसमें 10 लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जा रहा है। इसके बाद अगर देखेंगे तो शासन द्वारा लिखित में आ चुका है कि 4/11/2023 तक के इसमें इनको कहीं भी स्वीकृति नहीं दी गई है कि 43 लोगों के ऊपर इन लोग किसी भी प्लेसमेंट कर्मचारी को रखे। ई टेंडर में ये समझ आ रहा है कि इसमें कैसे घपला और घोटाला किया गया है। 20 दिनों का समय रहता है टेंडर खुलने का, लेकिन 6/9/2022 को प्रकाशित हुआ है पेपर में, और उसके बाद 23/9/2022 को टेंडर खोल दिया गया है। कुल मिला के 14 से 15 दिन के अंदर ही इसमें टेंडर खोल दिया गया है। सबसे पहला ये घपला है, इसमें अपने अपने पसंदीदा ठेकेदारों को इन लोग काम देने का प्रयास किए गए हैं। तो पूर्व वाले चंदन मानकर जी हो, चाहे अभी अशोक सलामे जी हो, चाहे संबंधित अधिकारी जो भी नगर पंचायत से जुड़ा है, इसमें जांच की मांग करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ प्लेसमेंट कर्मचारी 43 हैं और प्लस 10 स्वच्छता कमांडो, कुल 53 है। नहीं, वो प्लेसमेंट में नहीं है, लेकिन उनका हम जो पेमेंट है प्लेसमेंट के साथ ही निकालते हैं, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। बाकी हमारे यहाँ एक भी कर्मचारी अधिक नहीं है। ये जैसे कब का है टेंडर और क्या है ना, और किसमें कमीशन खोरी का शिकायत है, तो खैर गलत है, लेकिन ये टेंडर जैसा आप बता रहे हैं, ये टेंडर जो लगना था और मैनुअल लगा है ना, तो उसको दिखवा लेते हैं कि ये कब का है। और न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।